नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रदेश में लगातार महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले सामने आने से लोगों में और बच्चियों में दहशत है। वे अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे हैं। हरियाणा में तो निरंतर लगातार ये इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। वहीं आज पानीपत के समालखा के एक गांव में कुछ स्कूल के घर जा रही एक बच्ची 8वीं कक्षा में जो पढ़ती है और कार में सवार कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और जिसे बाद में गांव के ही पास बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। पुलिस ने सूचना पाकर के घेराबंदी की लेकिन कोई अपराधी हाथ नहीं लगा। पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 10 युवकों के खिलाफ बादशाह की धारा व छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मासूम बच्चियों से जबरदस्ती छेड़खानी के मामले समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। हर दिन इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं उनके प्रति जहां प्रशासन और सरकार सचेत हैं, वहीं इन हवस के दरिंदों ने लोगों के बीच में दहशत फैलाने का काम किया है। पानीपत के विधानसभा समालखा के एक गांव में आज दोपहर स्कूल से घर आ रही एक 8वीं कक्षा की छात्रा को कार सवार कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया, जिसे लोगों ने देख लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत वीटी कर शहर की घेराबंदी कर दी लेकिन आरोपी की तलाश करने के बावजूद भी वे फरार हो गए। आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़ कर के निकल गए। परिजनों ने बेहोशी की हालत में पीड़िता को खेत में पाया, जिसे वे संभाल कर। वहीं डीएसपी जगदीप दोहन के अनुसार पुलिस को दी शिकायत और जानकारी के मुताबिक नाबालिका के पिता ने बताया था कि आज दोपहर को करीब 8 से 10 युवकों ने स्कूल के रास्ते में उसे कुछ सुंघा करके बेहोश कर दिया, उनकी बेटी का अपहरण कर लिया और अपहरण कर वह खेतों में ले गए। छात्रा के पिता का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का भी प्रयास किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि किसी से पता चला कि उनकी बेटी खेत में बेहोश पड़ी है, जिसके बाद में वह मौके पर पहुंचे और बेटी को बेसुध हालत में अस्पताल ले आए। उसके बाद बच्ची को होश आने के बाद में वे उसे पुलिस स्टेशन ले आए। डीएसपी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है, साथ ही उसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट आने तक आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी। आप देख रहे हैं पानीपत समालखा से अनीश कौशिक की ये रिपोर्ट। उस संबंध में हमने FIR दर्ज कर दी है और बाद मेडिकल और 164 के बयान के बावजूद और इसकी जांच के बावजूद जो भी दोषी होगा उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की। सर, ये है कि भाई 10 आदमी आए कि गाड़ी में एक हमारे को ले चुके थे, तो उस संबंध में हम खुद मौका मुहाना करके ना जांच करके ना जैसी कार्रवाई होगी इस पर तुरंत कार्रवाई आ रही। सर, कुछ ये गाँव का एक दुकान है, उसके पास से है भगवान की दुकान। सर, लड़की के जैसे इस संबंध में तो हमारे पास जो मैसेज आया तो उसके पिताजी के पास ही थी परिवार वालों का। क्या मुकदमा इस संबंध में? मुकदमा पोस्को एक्ट के इसमें 356 का छेड़छाड़ का, 365 का पोस्को एक्ट के तहत। ठीक है सर।